सड़कों पर दौड़ते बड़े बड़े ट्रक्स, हर मिनट एयरपोर्ट से उड़ान भरते ढेरों एयरक्राफ्ट्स, बंदरगाहों से लाखों टन शिपमेंट्स लेकर समंदर में अपनी यात्रा को निकलती शिप्स, पटरी पर दौड़ती वंदे भारत एक्सप्रेस, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में खड़े होते स्काई स्क्रैपर्स, अपार्टमेंट्स, होटल्स, मॉल्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में दिन रात काम करती हैवी मशीनरीज, ऑयल एंड गैस सेक्टर में माइनिंग करने वाली मशीन औजार, विंड टर्बाइंस, इन सब की साइज का अंदाजा तो आपको होगा ही। विशाल काय ये मशीनें बहुत ही भारी होती हैं। इनकी साइज, शेप और वेट को डिफाइन करने के लिए हम अक्सर एक इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, हैवी। और इनके इर्द गिर्द जो इंडस्ट्री कई दशकों से देश की तरक्की की रीढ़ बनी हुई है, उसे कहते हैं हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। अगर अपने देश की बात करें तो इंडिया में हैवी इंडस्ट्री डेवलप हुई आजादी के बाद। उससे पहले हम लगभग पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे। हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से हमें मिलता है कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये सभी प्रोडक्ट्स अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जैसे इंडस्ट्रियल मशीनरी, पावर जनरेशन इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, रेल इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग और शिप बिल्डिंग मटेरियल्स एंड मशीन टूल्स। देश में इंडस्ट्रियल मशीनरी बनाने की नींव पड़ी थी रांची, झारखंड में। 1958 में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना हुई, जिससे इंडियन हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को जबरदस्त बूस्ट मिला। डेवलप हुई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल मशीनरी और देश की प्रगति को मिलने लगे ट्रैक्टर्स, पंप्स, डीजल इंजन्स वगैरह। तो स्वागत है आपका infinitystream.tv पर आज की डॉक्यूमेंट्री हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पर। आपकी नॉलेज और समझ दोनों बढ़ाएगी। सबसे पहले आपको इतिहास की थोड़ी झलक देते हैं, फिर इस इंडस्ट्री का प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे इंजीनियरिंग के कंधे पर सवार होकर हैवी इंडस्ट्री कैसे नई ऊंचाइयां छू रही है। 1760 से लेकर 1870 के बीच यूरोप में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला था, वहीं से दुनिया भर की तरक्की को रफ्तार मिली जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस घरों से निकलकर फैक्ट्रीज में शिफ्ट होने लगा। प्रोडक्शन का तरीका हाथों से निकलकर मैकेनिकल ट्रांजिशन पर जा पहुंचा। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग, यूज ऑफ स्टीम पावर, डेवलपमेंट ऑफ मशीन टूल्स से फैक्ट्री सिस्टम खड़ा करने में मदद मिली। एग्जाम्पल देखें तो पहले बुनकर हाथों से कारपेट बुनते थे जो फैक्ट्रीज में बनने लगे। इससे आया क्रांतिकारी बदलाव यानी रेडिकल चेंजेस, मतलब दुनिया की तरक्की को वो गति मिली जो मैनकाइंड ने हजारों सालों से नहीं देखी थी। वो इन 100 सालों में देखने को मिली और वही गति आज कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई इंग्लैंड में, जो फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स और लगभग पूरे यूरोप में फैल गया। इंडिया में जो रेलवे नेटवर्क अंग्रेजों ने बिछाया, ये उसी का हिस्सा था। ट्रेन से कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल्स जैसे कोयला बंदरगाहों को ले जाया जाता और उसे इंग्लैंड शिप कर दिया जाता, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए ईंधन का काम करता। हजारों लोग बेहतर रोजगार की तलाश में दुनिया भर से यूरोप पहुंचने लगे। धीरे धीरे ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रशिया, अमेरिका, जापान में भी दिखने लगा। आज 21वीं सदी में हम जो इतने एडवांस हुए हैं, वो इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन है। इंडिया में जब तक अंग्रेजों का राज रहा, इंडिया रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्टर ही बना रहा। ब्रिटिश हुकूमत इंडिया में ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को हायर रेट्स पर बेचती थी। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इंडियन इंडस्ट्री को कुछ इस तरीके से डेवलप करना ताकि अपना देश ब्रिटिश इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट रहे और ब्रिटिश कंपनीज को कॉम्पीट ना कर सके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक भी इंडियन इंडस्ट्री आत्मनिर्भर नहीं बन सकी थी और लो प्रोडक्शन रेट के चलते पूरा देश क्राइसिस में था। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में इंडस्ट्रीज का ओनरशिप गिने चुने हाथों में चला गया और सप्लाई ऑफ टेक्नोलॉजी, एजुकेटेड वर्कर्स और कैपिटल की कमी से इंडियन इंडस्ट्रीज की रफ्तार बेहद धीमी रही। 1948 के बाद इंडियन इंडस्ट्रीज पर कंप्लीट स्टेट कंट्रोल आया और कोल, पेट्रोलियम, एविएशन, स्टील इंडस्ट्रीज को इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1949 के अंडर लाया गया और हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर ऑफ वर्कर्स जैसे रूल्स पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पर लागू किए गए। अब जरा एक नजर डालते हैं टाइप्स ऑफ हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पर, जिससे पता चलेगा कि कैसे ये इंडस्ट्रीज किसी भी कंट्री की ग्रोथ और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बैकबोन का काम करती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। बचपन में मैं जब भी खेला करती थी और आसमान में जब भी कोई एरोप्लेन उड़कर जाता, तो मैं उसे तब तक देखती रहती थी जब तक वो ओझल नहीं हो जाता। फ्लाइट, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, रॉकेट, ये सब कुछ एरोस्पेस इंजीनियरिंग की देन है जो हैवी इंडस्ट्री में गिना जाता है। आसमान में 8000 से ज्यादा सैटेलाइट्स दुनिया भर में
एट अ टाइम 25,000 से ज्यादा उड़ते फ्लाइट्स एंड हेलीकॉप्टर्स, ये सब कुछ एयरोस्पेस इंजीनियर्स बनाते हैं। एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट्स, मिसाइल्स को डिजाइन करते हैं और उन्हें उड़ने के काबिल बनाते हैं। हाई परफॉर्मिंग इंजन्स और प्रोपेलर्स बनाते हैं। एयरक्राफ्ट में कितने पैसेंजर्स बैठेंगे, इनकी रेंज कितनी होगी, ये आसमान में कितना लंबा सफर तय करेंगे, एयरक्राफ्ट पैसेंजर कैरी करेगा या कॉम्बैट में जाएगा, इंजन टाइप क्या होगा, स्पीड क्या होगी, इन सभी एस्पेक्ट्स पर एयरोस्पेस इंजीनियर्स को काम करना पड़ता है। आपने कॉनकॉर्ड का नाम तो सुना ही होगा, जो अपने टाइम का सबसे फास्टेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट था। पहले लंदन से न्यूयॉर्क जाने में एक नॉर्मल फ्लाइट से 7.5 घंटे लगते थे, पर कॉनकॉर्ड इस ट्रेवल टाइम को 3.5 घंटे तक ले आया। तो ये हुआ कैसे? सबसे पहले अगर कॉनकॉर्ड के विंग्स को ले तो इसके विंग्स को फाइटर जेट के विंग्स जैसा बनाया गया। उसके बाद कॉनकॉर्ड के फ्यूज लेग यानी एयरक्राफ्ट की बॉडी पर लगभग 5,000 घंटे की टेस्टिंग की गई। लेकिन इतनी तेजी से उड़ते हुए किसी एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड करने के लिए पायलट्स को रनवे साफ साफ दिखना भी चाहिए। लेकिन कॉनकॉर्ड की नाक इतनी लंबी थी कि रनवे को साफ देखने में दिक्कत आ सकती थी, तो इंजीनियर्स ने उसकी नाक यानी चोंच को ऊपर नीचे होने वाला बना दिया। एविएशन या एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी ढेर सारे अलग अलग इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे जेट इंजन को बनाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स की टीम काम करती है, फ्लाइट में 40 किलोमीटर तक लंबी वायरिंग होती है जिसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स पूरा करते हैं, एयरक्राफ्ट की मजबूती और ड्यूरेबिलिटी पर काम करते हैं मटेरियल साइंस इंजीनियर्स, जिससे एयरक्राफ्ट को हल्का रखने में मदद मिलती है, फ्लाइट की स्पीड पर काम करते हैं एरोडायनेमिक्स इंजीनियर्स ताकि एयरक्राफ्ट को कम फ्यूल पर ज्यादा एफिशिएंसी मिले। इसके बाद एयरक्राफ्ट के प्रोग्रामिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को कहते हैं एवियोनिक्स, जिसपे इसी फील्ड के स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स काम करते हैं। फ्लाइट को उड़ाने के लिए सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम करता है। नॉइज कंट्रोलर पर काम करते हैं साउंड इंजीनियर्स ताकि जेट इंजन की आवाज से आपके कान सुरक्षित रहे। ये तो हुई बात एयरक्राफ्ट को बनाने की। इसके बाद भी एयर ट्रैफिक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आती है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन और रेडियो इंजीनियर्स अपना रोल प्ले करते हैं। इसी तरह जब एयरक्राफ्ट की देखभाल और मेंटेनेंस का काम देखते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स। अब क्यों एयरोस्पेस इंजीनियरिंग को हेवी इंडस्ट्री में गिना जाता है, ये समझने के लिए चलिए एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या वर्क स्टेशन पर हम चलते हैं। एयरक्राफ्ट की जहां मरम्मत होती है वो एरिया 3 मिलियन स्क्वायर फीट तक बड़ा हो सकता है। ऐसे किसी भी वर्क स्टेशन में हर साल इंजीनियर्स, मैकेनिक्स और टेक्नीशियंस हजारों एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस करते हैं। फिर वो कोई लूज स्क्रू हो या इंजन फेलियर, ऐसी जगहों पर 2400 घंटे काम होता है क्योंकि एयरक्राफ्ट का उड़ना नहीं रुकता, तो मेंटेनेंस चलती रहती है। यूएसए में ऐसा ही एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस वर्क स्टेशन है जहां 6,000 लोग काम करते हैं। एयरक्राफ्ट, प्राइवेट जेट्स, गवर्नमेंट एयरलाइंस, यहां लगभग सब कुछ आता है। सिर्फ अगर किसी एयरक्राफ्ट इंजन की बात करें तो कोई कोई इंजन की कीमत $32 मिलियन तक होती है, और सबसे बड़ा काम होता है जेट इंजन को रिपेयर करना। सबसे पहले एयरक्राफ्ट को वर्क स्टेशन के अंदर एक सेमी ट्रक से खींचकर इंजन शॉप के अंदर लाया जाता है। इंजन का परफेक्ट मेंटेनेंस जरूरी है, इसलिए सारी खामियां जांचने के लिए जो सेटअप लगा होता है वो $100 मिलियन तक महंगा होता है। इंजन को चेक करने के लिए लगभग उसके सभी हिस्सों को खोलकर जांचा जाता है और रिपेयर एंड रिप्लेस किया जाता है। बोइंग 777 यानी 777 में रोल्स रॉयस और जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगता है और इसका वजन 7,893 केजी से लेकर 8,762 केजी तक हो सकता है। इंजन के पार्ट्स की केमिकल क्लीनिंग की जाती है ताकि हर पॉल्यूटेंट को हटाया जा सके। इससे इंजन को मिलती है मैक्सिमम परफॉर्मेंस। ऐसे वर्कशॉप में रिपेयर वर्क के लिए लगभग 14 तरह के इंजन आते हैं। इंजन मेंटेनेंस का काम 14 से लेकर 35 दिनों तक चल सकता है। यहाँ इंजन को पूरी तरह से डिसअसेंबल कर दिया जाता है और निकलते हैं लगभग 2000 पार्ट्स। हर एक हिस्सा देखना पड़ता है क्योंकि एक फ्लाइट दिन में 5 से 6 बार उड़ान भरता है और 7 से 8 साल तक की इनकी फ्लाइंग लाइफ होती है। इंजन को जितनी अच्छी मेंटेनेंस मिलती है कंपनी का उतना ही पैसा बचता है। इंजन में ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जिनकी कीमत $12,000 तक होती है। रोल्स रॉयस का अल्ट्रा फैन इंजन 3.56 मीटर्स तक होता है। जेट इंजन के कई पार्ट्स इतने भारी होते हैं कि कोई भी मैकेनिक या इंजीनियर इनकी चपेट में आए तो उनकी जान पर बन सकती है। 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे किसी भी एयरक्राफ्ट का इंजन फेल होना बड़ी मुसीबत ला सकती है, इसलिए जेट इंजन के मेंटेनेंस में कोई रिस्क नहीं लिया जाता। इंजन का कौन सा पार्ट खोला गया है और किसकी असेंबली चल रही है, हर काम को पेपर पर लिखा जाता है। सारी असेंबली हो जाने के बाद जेट इंजन को क्वालिटी टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है।
इंजन की मॉनिटरिंग 2400 घंटे चलती है और परफॉर्मेंस पर नजर रखी जाती है। क्वालिटी टेस्टिंग के बाद इंजन को जेट से जोड़ दिया जाता है और अगर इंजन में दोबारा खराबी निकली तो दोबारा काम किया जाता है। तो आपने देख लिया ना कि क्यों है एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक हैवी इंडस्ट्री। इंडिया की कुछ टॉप एरोस्पेस कंपनीज की बात करें तो इस लिस्ट में हिंडालको एलमैक्स एरोस्पेस लिमिटेड का नाम आएगा, जिसकी ओनरशिप आदित्य बिरला ग्रुप के पास है। इसका टोटल रेवेन्यू है लगभग 1,20,000 करोड़। अगला नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी स्थापना 1954 में की थी। कंपनी का टोटल रेवेन्यू 12,921 करोड़ से ज्यादा है। और आगे इस लिस्ट में आपको मिलेगा ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जो DRDO के अंडर आता है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 40,000 करोड़। भारतीय सड़कों पर दौड़ती लाखों महिंद्रा गाड़ियां आपको कैसी लगती है? अगर महिंद्रा आपकी पसंद वाले ब्रांड्स में है तो जान लीजिए कि महिंद्रा एरोस्पेस नाम से कंपनी अपना एरोस्पेस सर्विस देती है। इसके फाउंडर है आनंद महिंद्रा। कंपनी $15 मिलियन का रेवेन्यू कमाती है। महिंद्रा है तो टाटा क्यों पीछे रहे? टाटा भी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड नाम से अपना एरोस्पेस बिजनेस चलाता है। 2007 में बनी इस कंपनी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इस लिस्ट में आगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी मिलेगा आपको, जो 21,522 करोड़ का रेवेन्यू कमा चुकी है। टॉप पर है इसरो का अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो 1700 करोड़ का रेवेन्यू कमाता है, पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का मेंशन नहीं है। आसमान की सैर से सीधे अब जमीन पर उतरते हैं और चलते हैं उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की ओर इंडिया में, जिसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। सही समझा आपने, रेलवे, जिसे आज हम इंडियन रेलवे कहते हैं। और आई एम श्योर आपके मोबाइल में भी IRCTC की एप्लीकेशन तो जरूर होगी। रेलवे इंजन और कंपार्टमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस और रेलवे की पटरी बिछाने में यूज होने वाले हैवी मशीन टूल्स भी हैवी इंडस्ट्री में काउंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं इंडिया में ट्रांसपोर्ट का मोस्ट फेमस मीडियम ट्रेन का इंजन कैसे बनता है। हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड को देखें तो पहियों का आविष्कार हमारी तरक्की के लिए सबसे अहम माना जाता है। फैक्ट्री में रेलवे इंजन बनाने का काम भी पहियों से ही शुरू होता है। सबसे पहले राउंड शेप के मेटल पीस को जरूरत की साइज से काट कर इन्हें गर्म करने के लिए भट्टी में डाला जाता है। गर्म होकर निकले मेटल पीसेस को कन्वेयर बेल्ट से एक दूसरी भट्टी में डाला जाता है। परफेक्ट टेम्परेचर पर आ जाने के बाद एक हाइड्रोलिक प्रेस से इन्हें पहिए की शेप में ढाला जाता है। इसके बाद एक दूसरे हाइड्रोलिक प्रेस से पहिए में छेद किया जाता है। ठंडा करने के बाद एक कटर से पहियों को चिकना किया जाता है और उन्हें चमकदार बनाया जाता है। इसके बाद होती है क्वालिटी टेस्टिंग और टेस्ट पास होते ही पहियों को उनकी अगली डेस्टिनेशन पर भेज दिया जाता है। ट्रेन का इंजन कहीं और बनता है और उसे लाकर असेंबल कर दिया जाता है। अब बात करें अगर ट्रेन की पटरी की, तो इन्हें बनाने का काम अलग अलग कंपनीज का है। ये है हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिंदल SAW लिमिटेड, भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इनमें कुछ कंपनीज रेलवे मिनिस्ट्री की अंडरटेकिंग भी है। ट्रेन की पटरियों को स्टील एलॉय से बनाया जाता है, जो स्टील और कार्बन का मिक्सचर होता है। बहुत से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में स्टील स्क्रैप को पिघलाकर रेल की पटरियों को बनाया जाता है। पिघले स्टील से 3.5 मीटर लंबे बार बनाए जाते हैं, जिन्हें क्रेन से उठाकर एक और भट्टी में डालकर मजबूती दी जाती है। आगे इन बार्स को ऑटोमेटिक मशीन में डालकर इनकी लंबाई बढ़ाई जाती है। इसके बाद दोबारा इन बार्स को 4 टुकड़ों में काट दिया जाता है, दोबारा भट्टी में डालकर इनकी मजबूती बढ़ाई जाती है और पटरी के शेप वाले रोलर के अंदर से गुजार कर इनको फाइनल शेप दे दी जाती है। अगर बात करें कंपार्टमेंट की, तो बड़े बड़े मेटल शीट्स को काट कर कंपार्टमेंट का शेप तैयार किया जाता है, जिसका इंटीरियर एल्यूमिनियम का होता है, तो बॉडी स्ट्रक्चर स्टेनलेस स्टील की। अलग अलग कारीगर कंपार्टमेंट्स के अलग अलग हिस्सों पर काम करते हैं। जब डब्बे तैयार हो जाते हैं तो उन्हें पेंट किया जाता है और उनमें खिड़की दरवाजे भी जोड़ दिए जाते हैं। क्या आपको पता है इंडियन रेलवे के कोचेस कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु में। ट्रेन के डब्बों की बात करें तो रेलवे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ही ऐसी फैसिलिटीज होती है, जिनके सहारे डब्बों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जाता है। ये एक रेलवे ट्रैक जैसा ही प्लेटफॉर्म होता है, जिस पर ट्रेन को लोड करके एक से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। कहीं डब्बों को जोड़ा जाता है तो कहीं उनकी पेंट जॉब होती है, कहीं इलेक्ट्रिकल्स का काम होता है तो कहीं उसके इंटीरियर्स का। इस तरीके से जब डब्बों की मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है तो टेस्टिंग के बाद उन्हें इंजन से जोड़ने का ग्रीन सिग्नल मिलता है। ट्रेन के डब्बों को हमेशा एक प्लेटफॉर्म पर असेंबल किया जाता है, जो जमीन से कई फीट ऊंचा होता है, ताकि उसके नीचे वर्कर्स घुसकर काम कर सके। अगर इंजन की बात करें तो रेलवे इंजन 2.25 लाख CC तक के होते हैं।
जो 16 सिलेंडर्स के होते हैं तभी ये इतनी भारी भरकम ट्रेन को खींच पाते हैं। यानी अगर 125 सीसी इंजन वाली किसी बाइक से कंपेयर किया जाए तो 1400 बाइक्स लगेगी एक ट्रेन को फुल स्पीड से खींचने के लिए। बात करें अगर इंजन की तो इंडिया में ट्रेन्स का इलेक्ट्रिक इंजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप करती है BHEL भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। 1964 में बनी ये कंपनी एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की फील्ड में काम करती है। इंजन में सबसे पहले पहिए जोड़े जाते हैं और उसके ऊपर इंजन सेट किया जाता है। इंजन के बाद डब्बों को जोड़ा जाता है, उनकी फिनिशिंग की जाती है, इलेक्ट्रिक वायरिंग को कंप्लीट किया जाता है। पूरा सेटअप तैयार होने के बाद वायर्स के हैवी केबल्स को उनके सॉकेट से जोड़ा जाता है। आगे इसी तरह से हर डब्बे का काम किया जाता है। इंजन तैयार होने के बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है ताकि इंजन की परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल्स सब कुछ जांचा जा सके। ट्रेन का इलेक्ट्रिक इंजन हो, लोकोमोटिव्स, एक्सल्स, रेल रोड वैगन्स, व्हील्स, सब कुछ बनाने में रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती है। साथ ही ट्रेन को बनाने और असेंबल करने का काम यूपी के रायबरेली में मौजूद मॉडर्न कोच फैक्ट्री भी करती है। रेलवे कोच प्रोडक्शन में ज्यादातर कोच फैक्ट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। अगर इंडिया में यूज होने वाले लोकोमोटिव्स की बात की जाए तो WAG-60 को हिताची कंपनी बनाती है जो 6110 हॉर्स पावर की होती है। WAG-7 को CLW और भेल मिलकर के बनाते हैं और इसकी कैपेसिटी है 5350 हॉर्स पावर। WAG-8 इंजन मॉडल को भेल बनाती है और ये 5000 हॉर्स पावर का इंजन है। अगला मॉडल है WAG-9 जिसे ABB, CLW, भेल, BLW, PLW जैसी कंपनीज बनाती है। 6125 से लेकर के 9000 हॉर्स पावर तक की इसकी कैपेसिटी होती है। अब समंदर का रुख करते हैं, कैसे बनते हैं बड़े बड़े शिप्स, कभी आपने सोचा है? लाखों टन वजन वाले ये शिप्स इतने बड़े होते हैं कि उनके आगे हम बौने नजर आते हैं, क्योंकि इन्हें बनाकर सीधे समंदर में उतारना होता है, इसलिए इनका कंस्ट्रक्शन भी समंदर किनारे ही किया जाता है। सबसे पहले एक बहुत ही बड़े एरिया को लोहे की दीवार से कवर किया जाता है जहां समंदर के पानी को आने से रोका जा सके। यहां समंदर का पानी अंदर लाने की फैसिलिटी भी होती है ताकि शिप तैयार होने के बाद उसे सीधे पानी में उतार दिया जाए। शिप कंस्ट्रक्शन करने वाले इस एरिया पर बड़े बड़े क्रेन्स लगे होते हैं जो हजारों टन तक का वजन उठा सकते हैं और यही क्रेन्स शिप की लंबाई तक मूव भी कर सकते हैं। शिप बनाने के लिए सबसे पहले उसके नीचे एक मूवेबल प्लेटफॉर्म लगाया जाता है जिसके ऊपर सारा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। शिप का ज्यादातर हिस्सा स्टेनलेस स्टील से तैयार किया जाता है ताकि समंदर के खारे पानी से और समुद्री हवाओं से जंग यानी रस्ट ना लगे। शिप तैयार करने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े स्टील के शीट्स को बिछाया जाता है और जहाज की लंबाई जो 100 मीटर से लेकर 2 से 3 फुटबॉल मैदान तक हो सकता है। शीट्स बिछाकर उसके ऊपर लोहे के बड़े बड़े बार्स लगाकर उन्हें वेल्ड कर दिया जाता है और इसके बाद एक एक करके शिप की फ्लोरिंग तैयार की जाती है जिसे भी स्टील के स्ट्रक्चर से ही खड़ा किया जाता है। कंस्ट्रक्शन के टाइम ही अल्ट्रासाउंड टेस्ट, मैग्नेटिक टेस्ट और एयर लीक टेस्ट से लीकेज की जांच की जाती है ताकि पानी रिस रहा है या नहीं इसका पता लगाया जा सके। फिर शिप के हिस्सों को टुकड़ों में कंस्ट्रक्ट करके उन्हें शिप पर जोड़ने का काम किया जाता है। एक एक तैयार हिस्सों और फ्लोर्स को क्रेन की मदद से उठाकर शिप के साथ वेल्ड कर दिया जाता है। शिप कितना बड़ा है और किस टाइप का है उस पर इसके बनने का वक्त निर्भर करता है। जैसे कि एक लग्जूरियस क्रूज शिप को बनाने में 3 साल तक का टाइम लग जाता है। किसी भी शिप का इनर एंड आउटर स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद उसके इंटीरियर्स पर काम शुरू कर दिया जाता है। सबसे मुश्किल काम होता है किसी शिप के इंजन और उसके प्रोपेलर्स को सेट करना। शिप्स को फुल स्पीड से पानी में आगे बढ़ाने के लिए प्रोपेलर्स का साइज बड़ा होना जरूरी होता है, इसलिए शिप के प्रोपेलर्स डायमीटर से 9 मीटर तक और वजन में 100 टन तक हो सकते हैं। किसी भी शिप को रस्टिंग से बचाने के लिए आउटर एंड इनर स्ट्रक्चर को सैंड ब्लास्टिंग टेक्निक के जरिए रस्ट प्रूफ मटेरियल से पेंट किया जाता है। इंटीरियर को लग्जूरियस लुक देने के लिए इलेक्ट्रिकल्स, फ्लोरिंग, वॉल्स सब कुछ में बड़ी ही बारीकी से काम किया जाता है, क्योंकि एक क्रूज शिप में 5-स्टार होटल जैसी सुविधाएं होती है जो शिप को उसी हिसाब से तैयार किया जाता है। टाइटेनिक तो वैसे आपने देखी ही होगी, मूवी में जैसी की लग्जूरियस चीजें दिखाई देती है, आज की लग्जरी उससे भी कहीं ज्यादा होती है। आज के क्रूज शिप्स में टेनिस कोर्ट से लेकर के स्विमिंग पूल्स तक दिख जाते हैं। क्रूज के लगभग तैयार हो जाने के बाद शिप के प्लेटफॉर्म में समंदर का पानी लाकर उसे पानी में उतार दिया जाता है और उसकी टेस्टिंग की जाती है।
टेस्टिंग में पता चली खामियों को दोबारा दूर किया जाता है, उसके बाद शिप की पेंट जॉब की जाती है और उसमें डिजाइन और लोगो बनाया जाता है। ये काम भी मॉडर्न पेंटिंग मशीन से किया जाता है, क्योंकि 200 से 300 मीटर लंबे शिप को हाथों से पेंट करने में महीनों लग सकते हैं। तैयार होने के बाद किसी क्रूज में एंटर करना किसी 5 स्टार में जाने जैसा होता है। लिफ्ट, आलीशान डेक्स, रेस्टोरेंट्स, स्पा, लग्जूरियस रूम, अगर आपके पास लाखों रुपए हैं खर्च करने के लिए तो आप बड़ी आसानी से ऐसे क्रूज पर छुट्टियां बिता सकते हैं। अब आते हैं शिप के इंजन पर। कभी अगर शिप के इंजन डेक पर जाने का आपको मौका मिले तो जरूर से जाइएगा। इसके पिस्टन्स 6 से 8 फीट तक लंबे हो सकते हैं। शिप के इंजन में 16 सिलेंडर्स की पावर होती है। क्रैंक शाफ्ट भी इतना बड़ा होता है कि ये कई टन वजनी होता है। कुछ कुछ क्रैंक शाफ्ट 26 फीट लंबे और 25 टन तक के होते हैं। किसी कार या बाइक के इंजन की तरह शिप का इंजन लगाना आसान नहीं होता। शिप के इंजन को कई टुकड़ों में जोड़ा जाता है और ये काम इतने परफेक्शन के साथ किया जाता है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इंजन को जोड़ने के लिए इंजन के हजारों पुर्जों को इंजन बिल्डिंग एरिया में लाया जाता है। कई हफ्तों की मेहनत के बाद इंजीनियर्स इंजन को तैयार कर लेते हैं और उसे फाइनली क्रेन से उठाकर शिप में लगाने के लिए लाया जाता है। एक क्रूज शिप के इंजन का वेट 2300 टन या उससे भी ज्यादा हो सकता है और 1,00,000 हॉर्स पावर तक जनरेट कर सकता है। शिप में लगने वाले इंजन को ढेर सारे कंप्यूटर सिस्टम्स और सेंसर्स से चेक किया जाता है। ये इतना बड़ा हो सकता है कि इसकी ऊंचाई 3 मंजिला बिल्डिंग तक हो सकती है और ऐसा कोई भी इंजन इतना पावर जनरेट करता है कि किसी मोहल्ले की निरंतर पावर सप्लाई की जा सकती है। अब बात करते हैं इंडिया की कुछ टॉप शिपिंग कंपनीज की, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके 79 वेसल्स ऑपरेशनल है, 2,500 से 3,000 एम्प्लॉयज है, मुंबई में हेडक्वार्टर है और कंपनी का रेवेन्यू 13,000 करोड़ से ज्यादा का है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। अगला नाम है SR शिपिंग्स, जो इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री में लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। SR शिपिंग की रेवेन्यू 8,000 करोड़ से ज्यादा है। इनके पास 26 वेसल्स है जो क्रूड ऑयल और दूसरे बल्कि कार्गो शिपिंग करते हैं। कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और 3 से 6,000 एम्प्लॉयज की फौज है इनके पास। हमारी लिस्ट में अगला नाम है द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनीज, और इसे GE शिपिंग भी कहते हैं, जो सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। 8,100 करोड़ का इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड रहा है। इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री में लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी होने का टाइटल इसी के पास था, जिसे SR शिपिंग ने रिप्लेस कर दिया। 2 से 3,000 एम्प्लॉयज कंपनी का सारा वर्क ऑपरेशन देखते हैं। अब आते हैं पावर जनरेशन इंडस्ट्री पर, तो ये भी हेवी इंडस्ट्री में काउंट होता है। इंडिया में पावर जनरेशन का काम 3 मेजर तरीकों से किया जाता है। ये है थर्मल पावर प्लांट। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मेन सोर्स होता है कोयला। कोयले को जलाकर बड़े बड़े बॉयलर्स में पानी उबालकर स्टीम निकाला जाता है और इससे टर्बाइन घुमाकर जनरेटर से पावर जनरेट किया जाता है और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन लाइन से सप्लाई किया जाता है। 2022 के डेटा के हिसाब से इंडिया में जितने भी थर्मल पावर प्लांट इंस्टॉल्ड है उनसे टोटल 236.1 गीगावाट बिजली बनती है। थर्मल पावर का 58.6% कोयले से मिलता है और बाकी का लिग्नाइट, डीजल और गैस से प्रोड्यूस किया जाता है। 1 गीगावाट का मतलब होता है 100 करोड़ वाट्स। दूसरा है हाइड्रो पावर प्लांट। यहाँ पर पानी से बिजली बनाई जाती है, उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मतलब जहाँ कहीं भी आपको बड़े बड़े डैम या बांध दिखाई दे, वहाँ आसपास आप हाइड्रो पावर प्लांट का अंदाजा लगा सकते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट से 46,850 मेगावाट बिजली पैदा होती है, जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 12% है। इंडिया के कुछ फेमस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स है भाकरा नांगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वगैरह है। और बिजली बनाने का तीसरा तरीका है न्यूक्लियर पावर प्लांट, और यहाँ पर बिजली पैदा करने का तरीका लगभग थर्मल पावर प्लांट जैसा ही होता है, बस कोयले के अलावा न्यूक्लियर पावर का यूज किया जाता है। कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, तारापुर पावर स्टेशन और काइगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया के कुछ फेमस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। नवम्बर 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑपरेशंस में हैं, जो कि 7,380 MW बिजली पैदा करते हैं। न्यूक्लियर पावर से साल 2020 से 2021 में 43 टेरावाट बिजली पैदा हुई थी, जो इंडिया के टोटल पावर जनरेशन का 3.11% था। तो इन तीन तरीकों के अलावा चौथा मीडियम है MNRE, यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
इस कैटेगरी में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास पावर, बायोगैस पावर और स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को काउंट किया जाता है। नवंबर 2022 तक इस सेगमेंट में देश की इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी थी लगभग 408.72 गीगावाट, जिसमें से अक्टूबर 2022 तक 166 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल कर ली गई। इंडिया की इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनीज की बात करें तो NTPC लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, JSW एनर्जी लिमिटेड, SGVN लिमिटेड और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जैसी कंपनीज का दबदबा है। पावर जनरेशन इंडस्ट्री में हैवी इक्विपमेंट की बात करूं तो स्टीम टर्बाइन का एग्जांपल हम ले सकते हैं। इसकी डेफिनेशन को ले तो स्टीम टर्बाइन एक मैकेनिकल डिवाइस है जो प्रेशराइज्ड स्टीम से काइनेटिक एनर्जी लेकर उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इससे पैदा हुए रोटरी मोशन से ही बिजली पैदा होती है। एक टर्बाइन के अंदर कई ब्लेड्स लगे होते हैं जो फिक्स्ड ब्लेड और मूविंग ब्लेड में डिवाइड होते हैं। टर्बाइन के अंदर प्रेशराइज्ड स्टीम छोड़ने के लिए जो पाइप्स होते हैं वो मूविंग ब्लेड्स को घुमाते हैं और फिक्स्ड ब्लेड उस स्टीम को डायरेक्शन देते हैं। मूविंग ब्लेड्स जब घूमने लगते हैं तो उसी के साथ टर्बाइन का शाफ्ट जुड़ा हुआ होता है जो साथ ही घूमने लगता है। शाफ्ट का घूमना ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। तो एक टर्बाइन में कैसिंग, रोटर, मूविंग ब्लेड्स, फिक्स्ड ब्लेड्स, स्टीम सीलिंग सिस्टम, बियरिंग ग्लैंड, इमरजेंसी स्टॉप वॉल्व, गवर्निंग वॉल्व एंड कंट्रोल वॉल्व, ग्लैंड सीलिंग सिस्टम, टर्बाइन प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे इक्विपमेंट होते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि दो कमरों के साइज के बराबर तक के होते हैं। हाई प्रेशर स्टीम बड़ी तेजी से इनके अंदर छोड़ा जाता है जिससे शाफ्ट इतनी तेजी से घूमता है कि पूरे टर्बाइन से बहुत नॉइस पैदा होती है। एक स्टीम टर्बाइन लगभग 4500 किलो तक का हो सकता है या साइज के हिसाब से उससे भी ज्यादा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेक्टर में इतने इक्विपमेंट है कि इन पर इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, पर सभी को यहाँ पर डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। अभी बात करते हैं डीजल पावर जनरेटर की। आपने किसी होटल के बाहर, ऑफिस प्रीमाइसेस में या मॉल और अपार्टमेंट्स के बाहर सफेद और नीले रंग का एक बड़ा सा कंटेनर जैसा बॉक्स तो जरूर से देखा होगा, वही डीजल पावर जनरेटर होता है। बिजली जाते ही बैकअप के लिए इसे शुरू कर दिया जाता है। इसके ऊपर हाथी की सूंड जैसा एक साइलेंसर पाइप निकला रहता है जिससे धुआं बाहर निकलता है। इस जनरेटर का क्रैंक शाफ्ट डीजल पावर से घूमता है। इसके अंदर लगे सिलेंडर्स में जैसे ही कंबस्टन शुरू होता है, क्रैंक शाफ्ट में एनर्जी ट्रांसमिट होने लगती है, उससे मैकेनिकल पावर निकलती है। इस मैकेनिकल पावर को एक अल्टरनेटर मैग्नेटिक इंडक्शन से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैग्नेटिक इंडक्शन तब बनता है जब एक मैग्नेटिक फील्ड से कॉपर वायर गुजरता है और वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। इस वोल्टेज को एक कंप्लीट सर्किट से गुजारा जाता है। अल्टरनेटर की बात करें तो इसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं, स्टेटर और रोटर। अल्टरनेटर के आउटर केसिंग की ओर स्टेटर में कॉपर वायर्स लगे होते हैं और रोटर में भी वायर्स लिपटे होते हैं, लेकिन रोटर क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है। ये इंजन के साथ ही घूमता है। जब रोटर कॉइल से वोल्टेज गुजरता है तब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। जैसे ही रोटर घूमना शुरू करता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर में लगे कंडक्टिव वायर से कट जाता है और वोल्टेज पैदा होती है। ऐसे डीजल पावर जनरेटर्स को फिक्स करके भी यूज किया जाता है और ये मूवेबल भी होते हैं। जैसे मेले में किसी ग्राउंड इवेंट में भी डीजल पावर जनरेटर्स लगे हुए दिखाई दे जाएंगे। ट्रैक्टर या दूसरे किसी व्हीकल से इन्हें खींचा जाता है। होंडा, यामाहा, मित्सुबिशी, बजाज, बिरला पावर, किर्लोस्कर, महिंद्रा और अशोक लेलैंड जैसी लीडिंग कंपनीज डीजल पावर जनरेटर्स बनाती है। किसी भी देश की तरक्की के लिए हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना वहाँ की गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसी से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ प्लान के दो मेन कंपोनेंट्स है कंस्ट्रक्शन और हेवी इक्विपमेंट इंडस्ट्री। क्योंकि पूरा देश एक रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से गुजर रहा है तो कंस्ट्रक्शन एंड हेवी इक्विपमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। इसलिए ढेर सारे ग्लोबल प्लेयर्स यहाँ पर अपनी धाक जमाने और इंडियन मार्केट को लीड करने आ चुके हैं, पर पिछले कुछ सालों से ये इंडस्ट्री कई सारे चैलेंजेस भी फेस कर रही है। तो आइए समझते हैं चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडियन मार्केट और डेवलप्ड मार्केट के बीच जो गैप है वो इस सेक्टर का एक मेजर प्रॉब्लम है। ये टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी को लेकर के काफी ज्यादा दिखाई देता है। इंडियन मार्केट में एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में दिक्कत, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को साथ लेकर हेवी इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाने की सोच और वर्ल्ड लेवल की इंजीनियरिंग की कमी, इन सब से हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट स्लो दिखाई देता है। हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और लार्ज स्केल टैलेंट्स की कमी भी इस इंडस्ट्री की स्लो ग्रोथ रेट के लिए जिम्मेदार है।
हर साल देश भर में ढेर सारे इंजीनियर्स निकलते हैं, पर स्किल सेट के लिहाज से उनकी एबिलिटी और इंडस्ट्री की डिमांड में भी गैप दिखाई देता है। इसे फुलफिल करने के लिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इनोवेशन लैब्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स और वैलिडेशन सेंटर्स जैसी फैसिलिटीज की जरूरत है। इसे लेकर गवर्नमेंट को और खुद इस इंडस्ट्री के की प्लेयर्स को ढेर सारे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। फंडिंग भी एक बड़ा इशू है। फाइनेंस की कमी के चलते भी हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की रफ्तार काफी हद तक धीमी हो रखी है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के इक्विपमेंट के लिए फाइनेंस रेट हाई है, पर डिमांड की कमी भी है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि GST स्ट्रक्चर में सुधार करने की जरूरत है ताकि इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को राहत मिले, क्योंकि टैक्स में कमी आने से मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट की सेल्स बढ़ेगी और इसका फायदा हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को होगा। इसका डायरेक्ट बेनिफिट देश के डेवलपमेंट को मिलेगा। हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि स्लो प्रोग्रेस के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी भी जिम्मेदार है। गवर्नमेंट जितने भी प्रोजेक्ट्स अनाउंस करती है उन्हें इंप्लीमेंट करने का काम बहुत ही स्लो है। प्रोजेक्ट्स डेडलाइन पर पूरे नहीं हो पाते हैं, इसलिए जो कंपनीज इसमें इन्वेस्ट करती है उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट को अपने सभी प्रोजेक्ट्स पर क्लोज मॉनिटरिंग, देश की ग्रोथ के लिए जरूरी मशीनरी और इक्विपमेंट का विदेशों से टाइमली इम्पोर्ट, डेवलपमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट जैसे पॉइंट्स पर ध्यान देना जरूरी है। हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसके हर एस्पेक्ट को एक सिंगल डॉक्यूमेंट्री में समेटना बहुत ही मुश्किल है। उम्मीद है कि इस डॉक्यूमेंट्री से आपको इस इंडस्ट्री को समझने में मदद मिलेगी। हमारी टीम हर डॉक्यूमेंट्री के लिए बहुत मेहनत करती है और आप तक बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करती है। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए और देखते रहिए infinitystream.tv। अभी आपसे रूबी कहेगी धन्यवाद।